दोस्तों, कोरोना वायरस मानवता के लिए खतरा जैसा बन गया है। पूरे विश्व में इसको लेके हड़कंप है, और इससे कैसे बचें, इस लाइलाज जो ये वायरस है, अभी इसका कोई इलाज नहीं आ पाया है। लेकिन इसके साथ ही तमाम तरीके के मिथ्स और तमाम तरीके के भ्रम, तमाम तरीके की धारणाएं या तमाम तरीके की अफवाहें भी कोरोना वायरस को लेकर चौतरफा फैली हुई हैं। कोई कोई इलाज बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है गर्मी आने पर ये खत्म हो जाएगा, कोई ये भी कहता है कि गर्म पानी से नहाने से कोरोना नहीं होता, कोई कहता है सर्दी में होता है, सर्दी वाले इलाकों में, कोई कहता है सर्दी वाले इलाकों में नहीं होता। तो इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 14 पॉइंट्स क्लियर किए हैं, 14 जो अफवाहें हैं या जो धारणाएं हैं उनको क्लियर किया है। वो मैं आपको बताता हूं ताकि आप भी इस चीज को लेके समझ जाएं कि जो शीर्षतम संस्था है WHO, उसकी जो राय है उसको लेकर आपके दिमाग में अगर ऐसा कोई भ्रम हो तो वो उस राय के जरिए खत्म हो सके। सबसे पहला इसमें यह है कि कोरोना गर्म और उमस भरे वातावरण में फैलता है। ये दो चीजें हैं, कोई कहता है खत्म होता है और फैलता है। तो जो फैलने वाली बात है कि ये उमस में फैलता है जहां ज्यादा नमी होती है या गर्मी होती है, तो ये कल्पना मात्र है। WHO का कहना है कि ये महज एक कल्पना है। कोरोना वायरस किसी भी वातावरण में फैल सकता है, इसके लिए जरूरी नहीं कि गर्म या उमस वाला वातावरण ही हो। और WHO ने कहा है कि आप वातावरण का ध्यान ना दें इसको लेकर, आप कतई ये ना समझें कि आप जो है गर्मी वाले इलाके में रहते हैं तो सुरक्षित हैं या ठंडी वाले इलाके में रहते हैं सुरक्षित हैं। आप अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, लोगों से मेल मिलाप कम से कम करें, अपने हाथ जैसा कि सलाह दी जा रही है धोते रहें, और आप वातावरण को लेकर इसमें कतई अपने आप को सुरक्षित ना समझें। दूसरी ये है कि ठंड और बर्फ में कोरोना वायरस नहीं मरता, ये एक मिथ है। तो ये भी एक कोरी कल्पना मात्र है, इसकी कोई वजह नहीं है। WHO ने कहा है कि हम ये मान लें कि ठंडी और बर्फ में कोरोना वायरस नहीं मरता, या कोई बीमारी वायरस किसी भी तापमान में मारा जा सकता है। तो अब इसके लिए एक एग्जाम्पल ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि गर्मी में ये बढ़ता है, जैसे भारत में खासतौर पर कहा जा रहा है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, कोरोना वायरस का असर खत्म होता चला जाएगा और 30 से 35 डिग्री के बीच में कोरोना वायरस जिंदा नहीं रहेगा। तो उसमें WHO ने यह कहा है कि जो हमारे शरीर का तापमान है, जो अंदर का जो हमारा तापमान है, इंटरनल जो हमारा टेम्परेचर रहता है, वो 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो अगर कोरोना वायरस जो लोग कह रहे हैं कि 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में नहीं जिंदा रहेगा, तो वो अगर ऐसा होता तो जो शरीर का जो आंतरिक तापमान है जो 37 डिग्री के आसपास रहता है उसमें भी फिर वो नहीं बचना चाहिए था, वायरस खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता, मानव शरीर में 37 डिग्री के बावजूद कोरोना वायरस रहता है और वो मृत्यु का कारण भी बन रहा है बड़ी तेजी से। दूसरा कि गर्म पानी से नहाने से कोरोना नहीं फैलता, ये एक मिथ है। तो सच्चाई ये है कि पूरी तरीके से ये झूठ है। COVID-19 यानी कोरोना वायरस गर्म पानी में भी सरवाइव कर सकता है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको क्लियर किया है। और फिर वही वाली बात है कि जब आपके शरीर का तापमान 36.5 से 37 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, तो अगर आप ज्यादा गर्म पानी से, इससे ज्यादा गर्म पानी से तो आप नहाएंगे नहीं। तो जब तापमान खुद ही 37 डिग्री है, 37 डिग्री पे से ऊपर तो आप गर्म पानी से नहाएंगे नहीं, तो और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका शरीर जल जाएगा, इससे ज़्यादा गर्म पानी से आप नहाएंगे। तो ये गर्मी वाली बात, ये जो है एक मिथ है, इसको आप कतई इस पर ध्यान ना दें। दूसरा ये है कि मच्छरों से नहीं फैलता कोरोना वायरस। तो अभी तक ऐसी कोई सूचना WHO को नहीं मिली है कि मच्छरों से कोरोना वायरस नहीं फैलता है। कोरोना वायरस एक, WHO कहता है कि रेस्पिरेटरी वायरस है जो हवा में तैरते पानी के बूंदों से फैलते हैं, चाहे वो छींकते हैं जब आप, तो जो एयर जो बबल्स आपके छींकने के दौरान जो स्प्रेड होते हैं उससे हो, या खांसी से हो, खांसते वक्त जो आपका सलाइवा के तौर पे जो बबल्स बाहर आते हैं, तो ये वो कैरी करता है, वो पानी की बूंदों में
ये COVID-19 कैरी होता है। तो इसलिए आप ज़रूरी है कि जब आप छींकें तो अपना मुंह जो है वो हाथ के बजाय जो सलाह दी जा रही है वो उसको कि कोहनी से आप इसको ढकें ताकि हाथ में आपके वो ना आए, या फिर आप मास्क का इस्तेमाल करें अगर आप इससे पीड़ित हैं, सर्दी जुकाम से आपको छींकें आ रही हैं तो आप मास्क खुद पहने, दूसरों के बचाव के लिए रुमाल का इस्तेमाल करें, अपने आप को आप दूर रखें दूसरों से। तीसरा है कि जो हैंड ड्रायर्स हैं, जिससे आपने देखा होगा कि जो वॉशरूम्स में जो ड्रायर लगे होते हैं कि उसमें वायरस मर जाता है, तो ऐसा भी WHO ने स्पष्ट कहा है कि हैंड ड्रायर्स पहली बात तो इस काम के लिए बने नहीं हैं, और ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं है कि हैंड ड्रायर्स में हाथ अगर आप ऐसे कर लेंगे तो कोरोना वायरस मर जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप बाकायदा उसको कायदे से, जैसा कि इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, कम से कम 20 सेकंड तक आप साबुन से अपने हाथ धोएं, अच्छी तरीके से साफ करें, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से आप हाथ साफ कर सकते हैं, और जितनी बार आप कोई ऐसी जगह जहां आपका हाथ स्पर्श हो जो कॉमन जिसपे लोग छूते हैं जिन चीज़ों को, चाहे वो दरवाजे के हैंडल्स हों, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो तुरंत आपको अपने हाथ धोने चाहिए, और ज़रूरी तो यही है कि आप हाथ ना मिलाएं किसी से, और आप खुद भी जब तक आप हाथ ना धो लें तो अपने चेहरे को, अपनी आँखों को ना मिलें, ना मलें, अपने चेहरे को भी स्पर्श ना करें। दूसरा एक इसमें है कि अल्ट्रा वायलेट लैम्प से कोरोना वायरस मर जा रहा है, ये भी एक मैसेज स्प्रेड हो रहा है कि अल्ट्रा वायलेट लैम्प्स आपने देखे होंगे कि शरीर में जब दर्द होता है उससे निपटने के लिए ये यूज़ होते हैं अल्ट्रा वायलेट, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं, बुज़ुर्ग लोग घर में भी रखते हैं उसके, तो अल्ट्रा वायलेट रेज उसमें निकलती हैं जिससे कि सिकाई करते हैं लोग उससे। तो एक ये मैसेज स्प्रेड हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेजेज में कोरोना वायरस मर जाएगा, तो ऐसा भी कतई नहीं है, ये आप समझ लीजिए। WHO ने कहा है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि अल्ट्रावायलेट लैम्प का उपयोग शरीर के सामने बल्कि नहीं किया जाना चाहिए, और इस रेडिएशन की वजह से आपको इरिटेशन हो सकता है, जलन हो सकती है, तो इसलिए आप ऐसा कोई प्रयोग ना करें अल्ट्रावायलेट लैम्प को लेकर, यह आपके लिए दिक्कत खड़ी कर देगा। दूसरी चीज़ है कोरोना पकड़ने में थर्मल स्कैनर कितने कारगर हैं, थर्मल स्कैनर कितने कारगर हैं, तो क्योंकि आप ऑनलाइन थर्मल गन्स और थर्मल स्कैनर की भी सेल बहुत बढ़ गई है, लोग इसको खरीद रहे हैं, तो WHO ने कहा है कि थर्मल गन या थर्मल स्कैनर बेहद कारगर हैं, और ये इंसानी शरीर के बढ़े हुए तापमान को बिना छुए बताते हैं, और थर्मल स्कैनर आजकल अगर जो फोटो आप देख रहे होंगे मीडिया में, अखबारों में, टेलीविज़न दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट्स पे एक गन टाइप की होती है जिसको यहाँ पर जो वहाँ पर लोग तैनात हैं स्कैन करने के लिए लोगों को, तो वो आपके माथे की तरफ उसको एम करके वो स्कैन करते हैं, और उसमें पीछे एक मीटर होता है जिसमें कि आपको आपने शरीर का तापमान उसमें दर्ज होता है, तो ये बढ़े हुए तापमान को बताता है, और थर्मल अगर थर्मल स्कैन ने बताया कि आपके शरीर का तापमान ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आप कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, हैं ये नहीं, इससे ये पता नहीं चलता कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है या नहीं है, ये इसमें कारगर है कि आपको ये पता लग जाएगा कि आप संदिग्ध श्रेणी में आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपका तापमान यहाँ पे बढ़ा हुआ है, लेकिन कोरोना वायरस का कंफर्मेशन जो है वो जो उसका स्पेशल टेस्ट है जो उसी के ज़रिए सेकेंड स्टेज में जब आपका टेस्ट होगा तब पता चलेगा कि आप COVID-19 से संक्रमित हैं या नहीं है। थर्मल स्कैनर सिर्फ ये नहीं बता सकता कि ये आप कोरोना वायरस आपको संक्रमण आप उसके ग्रसित हैं या नहीं है। दूसरी चीज़ अल्कोहल या क्लोरीन छिड़कने से मर जाता है कोरोना, ऐसा एक वो है, तो इस पर इन्होंने कहा है WHO ने, सच्चाई ये है एकदम नहीं है ऐसा, अल्कोहल या क्लोरीन छिड़कने से शरीर पर मौजूद कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें शरीर के ऊपर सफाई करते हैं, कोरोना वायरस शरीर के अंदर जाने के बाद सिर्फ दवाइयों से ही काबू पाया जा सकता है, हालांकि दवाइयों को लेके अभी प्रयोग चल रहे हैं, इसका इलाज अल्कोहल या क्लोरीन नहीं है कि आपने अल्कोहल या क्लोरीन शरीर पे लगा लिया तो आप जो है उससे कोरोना वायरस से बच गए, ये बाहर संक्रमण रोकने का एक तरीका है शरीर को साफ करने का।
उसके बाद है कि निमोनिया की वैक्सीन बचा लेगी कोरोना वायरस से। ऐसी खबरें अभी बीच में आपने पढ़ी होंगी कि जयपुर में ऐसा इलाज हुआ कि वहाँ पर ऐसे प्रयोग किए गए कि निमोनिया की वैक्सीन से लगाने से जो है कोरोना मर गया, लेकिन सच्चाई WHO के मुताबिक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निमोनिया की वैक्सीन जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी HIV वैक्सीन से कोरोना वायरस का इलाज नहीं हो सकता। ये नया है और अभी तक इसकी दवा खोजी नहीं गई है। वैज्ञानिक अभी कोरोना की वैक्सीन विकसित करने में जुटे हैं। दूसरा है कि सेलाइन से नाक साफ कर लें, अगर सेलाइन वाटर से, तो कोरोना से बच जाएंगे। तो WHO ने कहा है कि बिल्कुल नहीं है ऐसा, अभी तक ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिससे ये पता चले कि सेलाइन से नाक साफ करने से कोरोना वायरस के संक्रमण से निजात मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है और इसके फैलने का, जो जैसा मैंने पहले बताया WHO के मुताबिक, छींकने और खांसने से जो बबल्स स्प्रेड होते हैं उनके ज़रिए ये फैलता है, थूक से और आपकी म्यूकस की बूंदों से। दूसरा, लहसुन खाने से कोरोना संक्रमण नहीं होगा। ये बहुत लोग व्हाट्सएप वगैरह पे ये सब फैला रहे हैं। तो WHO ने कहा है कि लहसुन बेहद सेहतमंद खाद्य पदार्थ है, इसमें कोई एंटी माइक्रोबियल तत्व होते हैं, कई एंटी माइक्रोबियल तत्व होते हैं, लेकिन फिर भी अभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जिससे ये पता लगे कि लहसुन खाने वाले कोरोना वायरस से सुरक्षित हैं। फिर बुज़ुर्ग ज़्यादा खतरे में हैं या युवा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये कहा जा रहा है कि बुज़ुर्ग इसमें मर रहे हैं और युवा जो है कम मर रहे हैं, लेकिन इसमें WHO ने साफ किया है स्थिति कि ये सभी उम्र के लोग इसमें संक्रमित हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बुज़ुर्ग ही संक्रमित हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हर उम्र के लोग संक्रमित हो सकते हैं। हाँ, बुज़ुर्गों में जैसे अस्थमा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारियाँ और ब्लड प्रेशर, ये ज़्यादा होता है, उनसे ग्रसित होते हैं वो इन रोगों से, तो उनकी उनके अंदर इसके फैलने की गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम उनका वीक होता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बुज़ुर्गों की वीक होती है, तो कोरोना वायरस से वो उनका शरीर उतनी मजबूती से लड़ नहीं पाता क्योंकि उनके अंदर इस तरह की व्याधियां होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें सिर्फ बुज़ुर्ग ही इसकी चपेट में आ रहे हैं और युवा नहीं आ रहे, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, एंटीबायोटिक्स से कोरोना वायरस ठीक होगा, इस पर WHO ने कहा है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना वायरस ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं। ये दवाइयाँ बेसिकली सिर्फ बैक्टीरिया को मारने के लिए होती हैं, जैसे इनके नाम से स्पष्ट है, एंटी बैक्टीरियल होती हैं ये एंटीबायोटिक्स, और इनका इसका कुछ भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि तो और जो जो लोग बल्कि कोरोना से ग्रसित होते हैं उनको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, वो इसलिए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से वो बचे रहें, लेकिन कोरोना का इलाज इससे नहीं है। फिर कोरोना के लिए दवाइयाँ मौजूद हैं या नहीं हैं अभी, तो इस पर यह है कि अभी तक इसकी कोई दवाई मौजूद नहीं है इससे बचाव की या इससे लड़ने के लिए। तो हालांकि इस पर वैक्सीन तैयार करने पर काम चल रहा है, वैज्ञानिक बहुत तेज़ी से विश्व भर में जुटे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि अभी जल्दी से जल्दी ये सामने आ जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो WHO ने क्लियर किए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए सहायक होंगे और इन जानकारियों को आप खुद समझें और अपने कोरोना के बचाव के लिए जो उपाय बताए जा रहे हैं उनको पूरी शिद्दत से उनका पालन करें, इसमें कतई लापरवाही ना करें, क्योंकि ये बेहद खतरनाक संक्रमण है और इसमें हम लोगों को अपनी जो खुद की साफ़ सफाई है उसका ध्यान रखना और लोगों से ज़्यादा दूर रहना, एक दूसरे से ना मिलना, इससे बचाव का एक बड़ा ज़रिया इस वक्त फ़िलहाल है जब तक इसका कोई इलाज नहीं निकल जाता। तो ये जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो आप मित्रों के साथ भी शेयर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं ताकि हम लोग मिलकर इस वायरस के खिलाफ जंग जीत सकें। शुक्रिया।